अकेडमी, द मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट इन नागपुर फॉर जेईई नीट। भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला कार्यक्रम आज बल्लारपुर में हुआ। प्रभु श्री राम के जन्म स्थल अयोध्या में बन रहे विशालकाय राम मंदिर के दरवाजे, खिड़कियां और अन्य वस्तुओं के लिए यहां से करीब 1800 घन मीटर देश का सर्वोत्कृष्ट लकड़ा आज अभूतपूर्व आयोजन के साथ भेजा गया। लकड़ी की पहली खेप भेजने के लिए आयोजित कष्ट पूजन कार्यक्रम में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अभूतपूर्व शोभा यात्रा के साथ लकड़ा भरा ट्रक यहां से रवाना किया गया। राज्य के वन व संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सपत्नीक इसके अलावा अयोध्या से पधारे राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज और प्रसिद्ध रामायण धारावाहिक के अभिनेता राम लक्ष्मण सीता के अभिनेता अरुण गोविल, दीपिका व सुनील लहरी ने लकड़ियों का पूजन कर लकड़ा भेजने की शुरुआत की। इस समय मुनगंटीवार ने कहा कि बल्लारपुर ने एक नया इतिहास रच डाला है। सबके आराध्य प्रभु श्री राम मंदिर के लिए हमारे बल्लारपुर से लकड़ी जाना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। जब राम मंदिर का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें बल्लारपुर का भी नाम स्वर्ण अक्षरों में होगा। अरुण गोविल ने भी इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा, मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि जो लकड़ियां भगवान राम के मंदिर में लगेगी उसका पूजन करने का मौका मुझे मिला। इस मौके पर यूपी के कई मंत्रियों के साथ ही चंद्रपुर जिले के विधायक सुभाष थोटे, कई पूर्व विधायक और कई राज्यों के नेतागण उपस्थित थे। शोभा यात्रा में 2100 से अधिक कलाकारों ने झांकियां और विभिन्न कलाएं प्रस्तुत की। कलश लिए महिलाएं व युवतियां यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। रण रागिनी महिला मंडल का बैंड दल भी आकर्षण का केंद्र रहा। झांकियां देखने के लिए सड़क के दोनों किनारे लोग बड़ी संख्या में खड़े थे। दुकानों और घरों के छतों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखे गए। मी कारसेवक होतो आणि आज वन मंदिर झालो। मला आठवतं की माझ्या गगनामध्ये मी माझ्या मागे बोर्डावर लिहिलं होतं, मंदिर यही बनाई। कारसेवक म्हणून गेलो आणि आज वनमंत्री म्हणून यासाठी कास्ट पाठवताना, तिकूड पाठवताना मनस्वी आनंद आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वीरभूमीतून माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात व माननीय देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वात ही संधी आम्हाला सर्वांना प्राप्त झाली, जी आनंदाची आहे। प्रभू रामाच्या मंदिरात चंद्रपूर जिल्ह्याचं काष्ट दान, म्हणजे एकीकडे रामचंद्र आणि तिथं चंद्रपूरचं गडचिरोली चंद्रपूरच्या दंडकारण्याचं काष्ट दान, हा आनंदाचा क्षण आहे। आज उत्तर प्रदेशमधून 3 मंत्री आले आहेत, आमचे केसरकरजी आले आहेत, हा विधानसभा सदस्य आहे। बल्लारपुर से BCN न्यूज के लिए नारद प्रसाद के साथ सुनील ताईडे की रिपोर्ट। Enroll for aptitude and scholarship tests and get a scholarship up to 90% on 2-year JEE NEET fees. For registration and details, call